Strong women never give up. We might need a coffee, we might need a good cry, we might need a day in bed, but we will always come back stronger. ये आपको जितना समझ में आया उतना ही हमको भी समझ में आया, मतलब ना के बराबर. सॉरी, बताता हूँ. मैडम का कहना है कि एक ताकतवर औरत हमेशा एक मजबूत कमबैक करती है. और भी मैडम जी ने कुछ बताया बीच में, डायलॉग वाले मारे हैं वो मैं नहीं बता रहा हूँ. मतलब मैडम का कहने का उद्देश्य क्या था वो मैंने आपको बता दिया. ये औरतों को मोटिवेट करने के लिए तो इसको हम भी अप्रिशिएट करते हैं. लेकिन मैडम आपकी वीडियो कोई एडम चंपा की नानी तो देखने वाली है नहीं, तो आप इंग्लिश में इतना ज्ञान क्यों फैल रही हो? और आपको कितनी ज्यादा इंग्लिश आती है वो हमको मालूम है. All you girls out there, मतलब गर्ल्स की स्पेलिंग तो तुमसे सही से लिख ही नहीं जा रही और पूरी दुनिया को इंग्लिश में ज्ञान दे रही हो. आ गया से भोसड़ी की. वाओ, आपके लिए तो तालियां होनी चाहिए. आपने ये साबित कर दिया कि थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, उसके बाद से लोगों को तो चुतिया बना ही सकते हैं. तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा. मतलब दीदी, आप हमारे गांव में किसी यूकेजी के बच्चे से भी पूछेंगी ना कि गर्ल्स की स्पेलिंग क्या होती है, वो आपको आराम से बैठाएगा और स्लेट पे लिख के आपको समझा देगा कि गर्ल्स की स्पेलिंग क्या होती है. आप ही सोच लो आप कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट हो. बाकी दिखावा तो आप कर ही लेती हो अच्छे से. याने देखा ऐसे, मैं पानी पानी हो गई. तो क्या करूं मैं उस पानी का, उसमें आपको चाय बना के दे दूं या फिर मैं उस पानी में एक दो डुबकी लगा लूं? आखिर करूं क्या मैं उस पानी का? जा पूछ क्या. हाँ यार मैडम, सच में पानी पानी हो गई थी. तुम ही देख लो, पहले मैडम ये पहनी थी फिर अब ये पहनी है. सोचो इनके संज्ञान को कितना ज्यादा देखे होंगे, बेचारी पानी पानी हो गई. मैडम अभी तक पानी होनी है कि सूख गया है? अगर नहीं सूखा हो तो बताओ, ड्रायर व्रायर लाते हैं भेजो, पूरा सुखा देंगे. और अगर आपका संज्ञान अगर आपको फिर से पलट के देखा तो उसकी मत. कंट्रोल कंट्रोल उदय. हर बार लड़कों से खाया है धोखा, अब जाके हमको भी मिला है मौका. पता नहीं पिछले जन्म में इनके साथ किस लड़के ने क्या किया था जो इस जन्म में सारे लड़कों के पीछे हाथ धो के पड़ गई है. ससुर सारे लड़कों को कुत्ता बना दिए. मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है, मैं ये दिन देखने से पहले राजीव तलवार मर क्यों नहीं जाता. अब पिछले जन्म में जिस भी लड़के ने इनके साथ जो कुछ भी किया था, साले मजा तो तुम अकेले लिए होगे. भुगतना इस जन्म में हम सारे लड़कों को पड़ रहा है. साले मजा लिए थे इनसे भी पूछ लेते कि आपको क्या चाहिए, आपको मजा आ रहा है कि नहीं. मजा नहीं आ रहा है. बॉयफ्रेंड बदलने का नया तरीका है, नंबर बदल लीजिए. तो जिन जिन लड़कियों का नंबर बदलने के बाद भी बॉयफ्रेंड नहीं बदल रहा वो इनसे संपर्क करें. ये थोक के रेट में आपको बॉयफ्रेंड देगी. ये नहीं, ये लो, जो चाहिए लेके जाओ, लेकिन बदल दो बहनचोद को. देश संकट में है. सलाम, मैं भी चल रहा हूँ गर्लफ्रेंड बदलने. ओ हमको बदले, उससे पहले हम उसी को बदल देंगे. ये लड़के कभी एक बार ना टिके हैं. अच्छा, अभी तो तुम बॉयफ्रेंड बदलने का नया तरीका बता रही थी और अब जब हम गर्लफ्रेंड बदलने लगे तो ये लड़के किसी एक पे ना टिके ना टिकेंगे. अरे पहले तू तो किसी एक पे टिक जा चुड़ैलों की रानी, अपना तो पता नहीं दूसरों को ज्ञान देने चली है. जो भी हमसे फंस रही है उसके साथ हमको एंजॉय भी तो करने दो. लेकिन नहीं, उसमें भी तुमको दिक्कत है. पता नहीं कौन से चक्की काटा खाती है, इसको दिक्कत ही है लड़कों को देख के. जरूर इसके पुराने वाले बॉयफ्रेंड ने इसके साथ कोई बड़ा वाला कांड किया होगा, तभी ये लड़कों को देखना नहीं चाहती. ससुरी जूता लेके मारने को पड़ रही है. क्या बात करते हो, तू तेरा गुस्से दाफ करना, तू सुधर पाना. नहीं, हम एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं. हमको जितना गर्लफ्रेंड बनाना होगा उतना बनाएंगे और जितना छोड़ना होगा छोड़ेंगे. इसमें तुमको क्यों दिक्कत हो रही है? और अगर तुमको इतना ही ज्यादा दिक्कत है तो मोदी जी से कह दो कोई नया कानून ला देंगे. एक लड़का सिर्फ एक ही लड़की के साथ डेट कर सकता है, वो तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा, हमारे लिए भी अच्छा रहेगा. सच सच बताती हूँ, माना गया फलन वक्त बेटा पसंद आ गया. वाओ तालियां, मतलब इनके लिए तो तालियों के साथ साथ गालियां भी होनी चाहिए. एक तरफ सारी लड़कियों को लड़कियों के खिलाफ भड़का लिया और दूसरी तरफ फलनवा के बेटा पसंद आ गया. आई लाइक इट. ऐसा चाह करेंगे ना परवाह करेंगे, लगन में पक्का ब्याह करेंगे. ठीक है तुम इस लगन में ब्याह कर लेना, लेकिन ये सब अभी मत दिखाओ, ये सब ब्याह के बाद दिखाओ, तभी तो तुम कहोगी. तो बस आज के लिए बस इतना ही. वीडियो पता नहीं कैसी बनी है, बाहर बारिश हो रहा है यार, उसका भी आवाज और लाइट भी नहीं है. यदि भी बनी हो और एडजस्ट कीजिएगा, थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम है इसी वजह से हमको शूट करना पड़ा, नहीं तो कल भी हम कर सकते थे. चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में.